हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। मेरा नाम है गरिमा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिलिप्स मिक्सर ग्राइंडर की, जो कि आता है 2 जार में, जिसका मॉडल नंबर है 7506। आज मैं आपको करके दिखाऊंगी इसकी अनबॉक्सिंग एंड साथ ही साथ इसके फीचर्स भी बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से है, मेरा पर्सनल हैंडल गरिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से है। आप दोनों को फॉलो कर लीजिए सो दैट आपसे कोई भी अच्छी रील मिस ना हो, एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस बॉक्स में से मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका भी और अपना भी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसके अंदर से क्या क्या मिला है। इस बॉक्स में हमें मिलता है एक ये मेन यूनिट, जिसे हम मोटर कहते हैं मिक्सी की। दो हमें मिलते हैं इसमें जार्स, एक ये बड़ा जार है। वैसे तो आप सबको इसका यूज पता होगा, लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ ये किस काम आता है। एक आता है छोटा जार, एक इसका लिड और एक बड़े जार का लिड, और एक आता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों जार्स की। ये जो दो जार्स आते हैं, एक यूज़ होता है लिक्विड ग्राइंडिंग के लिए। जैसे आपने कभी कुछ प्याज टमाटर का ग्रेवी बनानी है या कुछ भी लिक्विड अगर आपको ग्राइंड करना है तो आप इसको यूज़ करेंगे, और कुछ भी अगर आपको ड्राई वो ग्राइंड करना है तो ड्राइंग के लिए हम ये वाला जार यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जार्स की क्वालिटी की। सबसे पहले मैं आपको बड़ा जार दिखा देती हूँ, जिसे हम वेट ग्राइंडिंग जार भी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये स्टेनलेस स्टील का जार है। अंदर की आप ये ब्लेड भी देख पा रहे होंगे, ये इसका बेस है, ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का है, और ये है इसका हैंडल। अगर हम इस हैंडल की बात करें तो काफी अच्छी ग्रिप है इसकी। जैसे आप इसको कभी मिक्सी पे लगा के देखेंगे तो ग्रिप काफी अच्छी है इसकी। अब मैं आपको इसका लिड भी दिखा देती हूँ। जैसे हम कभी प्याज टमाटर का मसाला इसमें बनाएंगे या किसी भी चीज़ को ग्राइंड करेंगे तो थोड़ी सी जान लगा के ये बंद होगा, सो दैट कभी भी आपका जार इजीली ओपन ना हो। आप देखेंगे थोड़ा सा, मतलब इसको ना काफ़ी हार्ड प्रेस करना पड़ा, सो दैट इसका ये बेनिफिट भी है। अगर आपको लगेगा कि इस हमें थोड़ी सी मेहनत करके इसको बंद करना पड़ रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट भी है। आप कभी भी इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये लीक नहीं होगा, ये इसका बेनिफिट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ चटनी जार। ये आप देख पा रहे होंगे ये भी सेम स्टेनलेस स्टील का आता है। इसका जो बेनिफिट है ना, ये देखिए आप इसकी जो ब्लेड दी हुई है अंदर, ये ब्लेड बहुत शार्प होती है। आप इसमें कुछ भी ग्राइंड करोगे तो ध्यान रखना डायरेक्टली आप इसमें फिंगर नहीं मारना, क्योंकि ये जो छोटे जार होते हैं ये होते हैं ड्राई स्पाइसेस के लिए। जैसे आपने काली मिर्च को पीसना है या कुछ हल्दी पीसनी है, कुछ भी पीसना है, तो ये उसके लिए होता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो प्लास्टिक है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और अगेन जैसे मैंने बड़े जार में दिखाया था इसकी भी ग्रिप काफ़ी अच्छी है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ से इसको इजीली पकड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। ये जो जार है ये आता है 1.25 लीटर्स का, मतलब कि 1.25 लीटर का, और ये जो छोटा जार है ये आता है 300 ml का। तो बेसिकली ये तो हमें सूखे मसालों के लिए चाहिए, और ये हमें वेट ग्राइंडिंग के लिए, जितना भी हमारा लाइक प्याज टमाटर हो गया उसके लिए। अब हम बात करते हैं बेस यूनिट की। इसमें ये फ्रंट पे आप देख पा रहे होंगे एक स्पीड कंट्रोलर दिया हुआ है, इसमें छोटा सा एरो दिया हुआ है। आपको इसमें 3 स्पीड्स का ऑप्शन मिलता है, 1, 2 एंड 3। जिस भी स्पीड पर आप ऑपरेट करना चाहते हैं उस स्पीड पर आप इसको सेट करके मिक्सी को ऑन कर सकते हैं। लाइक आप ये देख पा रहे होंगे ऐसे 1, 2 एंड 3, ये 3 स्पीड्स हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक सेफ्टी टिप आपको और दे देती हूँ, जब भी आप मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ करेंगे तो इसको आप 0 पे ही रख के वापस इसको रखेंगे ड्रॉर के अंदर या अपनी अलमारी में, जहाँ भी आप मिक्सर ग्राइंडर को रखते हैं। बिकॉज कभी भी हम वायर को प्लग इन करते हैं तो मिक्सर ग्राइंडर एकदम से ऑन हो जाता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। सो अब मैं आपको इसकी वायर दिखा देती हूँ। इसकी जो वायर है वो 1.5 मीटर की आती है, और इसका जो प्लग है ये 2 पिन प्लग है, लेकिन लगेगा 3 पिन सॉकेट में। एक चीज़ और दिखा देती हूँ, इसका जो बेस है आप ये देख पा रहे होंगे बेस पे 3 रबड़ हैं। इन रबड़ का क्या काम होता है, जब भी हम किचन में या कहीं पर भी रखते हैं, तो ये जो मिक्सी की मोटर है ये है 500 वॉट्स की। जब भी मिक्सी चलेगी तो चांसेस हैं कि मिक्सी इधर से इधर आ सकती है, क्योंकि वॉटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी रबड़ नीचे लगी होगी तो नीचे से इसको बेस से एक ग्रिप मिलती है, सो दैट मिक्सर ग्राइंडर का जो बेस है वो एक जगह से दूसरी जगह ना चला जाए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका एक बार जार लगा के। इसका जार अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो नहीं चलेगा, मिक्सी ऑन ही नहीं होगी। हम इसका जब जार लगाएंगे तो इस तरीके से ये सेट होगी। अब आप देखो ये मिक्सी
ये जार जो है ये मूव भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स जार लॉक हो चुका है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आप मिक्सी को ऑन करोगे यहाँ से, तो आपको अपना एक हाथ इसमें रखना है सो दैट आपका जार उड़े नहीं। वैसे तो नहीं उड़ेगा बिकॉज लॉक लग चुका है, बट फिर भी एक ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम मिक्सी को ऑन करेंगे हमारा एक हाथ जार के ढक्कन पे होना चाहिए। ये जो मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर हाथ रखने वाला कंसेप्ट है ना गाइस, ये पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी कंपनी नहीं कहती ऐसा कि आप मिक्सी चलाओ तो इस पे हाथ रखो, बट ये रहता है ना कि एक सेटिस्फेक्शन होती है कि मिक्सी का जार कहीं ओपन ना हो जाए। वैसे ये बहुत ही टाइट है, मतलब ये ऐसे ओपन हो रहा है लेकिन वैसे ये बहुत ज़्यादा टाइट है। अब मैं आपको एक सेफ्टी फीचर और बता देती हूँ। सबसे पहले जार को उतार देते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा ना टिप ओवर सेफ्टी स्विच है। ये किस काम आता है, ये देख रहे होंगे आप, ये ऐसे ना प्रेस हो जाता है इस तरीके से, मैं इसको नीचे कर रही हूँ तो ये प्रेस हो रहा है। ये बटन क्या करता है, ये बटन जब एक फ्लैट बेस पे होगा तभी नीचे से प्रेस होगा और तभी मिक्सर ग्राइंडर हमारा ऑन होगा। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें मिक्सर ग्राइंडर लेना है तो कौन से ब्रांड का लें। फिलिप्स एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है जो 2 ईयर्स वारंटी के साथ आता है, वो भी ऑन साइट। आप घर बैठे बैठे इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं एंड घर बैठे बैठे इसकी सर्विस भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं हम सुजाता लें या पैनासोनिक का मिक्सर ग्राइंडर लें या XYZ, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। मैं आपको बता देती हूँ इसका जो प्राइस है, बहुत ही अच्छा प्राइस है इस मिक्सर ग्राइंडर का। ये प्रोडक्ट एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें सुजाता की या पैनासोनिक की, तो उनकी रेंज आती है 5,000-6,000, आगे भी काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं उनके अंदर। ये जो है ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर हम उनकी बात करें सुजाता की या पैनासोनिक की, तो उनके अंदर और एडिशनल फीचर्स आते हैं। हमने एक पैनासोनिक मिक्सर ग्राइंडर की वीडियो बनाई थी, AE475 मॉडल आता है ये, 500 वॉट्स में फिलिप्स का मॉडल, वो 750 वॉट्स में पैनासोनिक का मॉडल। अगर आप पैनासोनिक की 750 वॉट्स वाली मिक्सर ग्राइंडर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी ब्रांड की मिक्सर ग्राइंडर लाइक फिलिप्स हो गया, सुजाता हो गया, इनाल्सा, पैनासोनिक, एनी ब्रांड, आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो आप घर बैठे हमें ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिल्ली NCR में हम ओनली 2 आवर्स में प्रोडक्ट को डिलीवर करवा देते हैं, और अगर आप दिल्ली NCR से बाहर हैं तो हम 4-5 वर्किंग डेज में प्रोडक्ट को डिलीवर करा देते हैं। सो गाइज, जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करके जाता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से है, मेरा पर्सनल हैंडल गरिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से है। आप दोनों को फॉलो कर लेना सो दैट आपसे कोई भी अच्छी डील मिस ना हो। तो गाइज, जाने से पहले एक चीज़ आपको मैं और कहना चाहूँगी, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट करना, या आप किसी और प्रोडक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए सो दैट मैं आपकी वो वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।